उसके बाद बाप से। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाएं जिनका खाना उसको और उसके साथियों को रवाना था, मगर फक्त काहिनों को? और क्या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत को पाक नहीं तो भी बेकसूर रहते हैं? पास मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके माने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ तो तुम बेकसूरों को कसूरवार न ठहराते, क्योंकि अपने इंसान सब्बत का भी मालिक है। मेरे अजीज़ों, यह है आज की जीवन करते हैं। सबसे तशरीफ़ रखें।